उत्तर प्रदेश के जनपद संभल असमौली विधानसभा की पिंकी यादव के निवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह यादव की शोक सभा में शामिल होने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें दुख है कि आज विजेंद्र पाल सिंह उनके बीच नहीं है। वो अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। रामपुर में चुनाव के दौरान पुलिस के रात में दरवाजा खटखटाने पर अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आम जनता से नहीं मांग रही वोट, ये अब बीजेपी का नया तरीका है चुनाव लड़ने का। बीजेपी जनता के वोट के माध्यम से नहीं बल्कि अधिकारियों के माध्यम से ज्यादा चुनाव लड़ रही है। आजम खान के रामपुर चुनाव में अकेले पड़ने को लेकर अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आजम खान का कितना नुकसान किया गया है। राजनीति में नहीं होता ये तरीका, विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दे। सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है, ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस आई। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, आदरणीय आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो आजम साहब का, देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे? सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते हैं। आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं और आप रामपुर में फंसे हुए हैं सर, आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है? राजनीति में ये तरीका नहीं होता है, राजनीति में ये तरीका नहीं है कि सरकार में आप आ गए दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। कल ही मुरादाबाद ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है, समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहां तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर गुजरात चुनाव में सर एक बार मैच कर ले फुटबॉल का, तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए आपने कहा था बीजेपी मैच कर ले। तुमने देखा नहीं हमारे मुख्यमंत्री कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा कांड का जो ऐसा सीएम योगी ने जिक्र किया है, ध्यान हटाना जरूरी। देश खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है, आप पूछिए ना किसान से उसके लिए डीजल पेट्रोल क्या कीमत है। आरोप लगा रहे हैं कि सपा दंगों के लिए जिम्मेदार है, कतौली में उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कौन कह रहा है? योगी जी जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं? और फिर दंगों के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम अकेले पड़ गए, क्या पार्टी उनके साथ खड़ी है? नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर आजम खान साहब कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए, क्या पार्टी उनके साथ? किसने कह दिया तुम्हें अकेले पड़ गए? पूरी पार्टी उनके साथ है कह रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं सर। इमोशनल नहीं, ये उनके साथ जो हुआ पॉलिटिक्स में किसी नेता के साथ नहीं हुआ। धन्यवाद। वही गोधरा कांड के जिक्र पर बोले अखिलेश की ध्यान हटाने के लिए कही जा रही हैं ये सारी बातें। दंगा कराने वाले आज खुद सत्ता में बैठे हैं, इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात की जा रही है।